पीएम मोदी कल पर नहीं आज पर भरोसा करते हैं और इसीलिए आपका कीमती वक्त बचाने को तैयार है। ये बुलेट ट्रेन का छोटा भाई पटरियों पर जब इसका रियलिटी टेस्ट हुआ तो इसने अपनी रफ्तार के खुमार से बड़ों बड़ों को हैरान कर दिया। ये रफ्तार भी थी बिन इंजन। तो जनाब ये है पहली इंजनलेस मेड इन इंडिया रेल ट्रेन 18, जिसने बना दिया है एक नया इतिहास। ट्रेन 18 का इन दिनों चल रहा है ट्रायल और ट्रायल में इसने साबित कर दिया है कि ये रफ्तार के मामले में जल्द शुरू होने वाली बुलेट ट्रेन का छोटा भाई ही है। अपने ट्रायल रन में ट्रेन 18 ने 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़कर बता दिया कि हम इंडियन किसी से कम नहीं। वैसे अगर मौजूदा रेल ट्रैक थोड़ा और दुरुस्त हो तो ये ट्रेन 220 किलोमीटर तक की रफ्तार भरने का दम रखती है। ट्रेन 18 की रवानगी का एक वीडियो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शेयर किया है। इसमें ट्रेन 18 की बुलेट रफ्तार भी दिख रही है और ये भी दिख रहा है कि इतनी स्पीड होने के बावजूद ये बिल्कुल आसानी से बिना झटकों के चल रही है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी इस ट्रेन के पहले कोच में ड्राइविंग सिस्टम लगा है जिसमें 44 सीटें भी हैं। पूरी ट्रेन में 16 डिब्बे हैं। ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज है। इसे खास तौर पर बुलेट ट्रेन के मॉडल पर ही तैयार किया गया है। इसे बनाने में तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अनुमान है कि जनवरी के महीने से ये वर्तमान शताब्दी एक्सप्रेस की जगह ले लेगी। रफ्तार विकास की भी हो और जिस ट्रेन में आप सफर करते हैं उसकी भी, यही है पीएम मोदी का सपना। क्योंकि रेल की रफ्तार बढ़ेगी तो आपका वक्त बचेगा और आपके वक्त से कीमती भला इस देश के लिए और क्या है।